SC ST एक्ट को कमजोर किए जाने के खिलाफ देश भर में जारी दलितों के विरोध के बीच एक और दलित BJP सांसद ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के नगीना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आपके राज्य में दलितों के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और न्याय व्यवस्था में दलितों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यशवंत सिंह ने प्रमोशन में आरक्षण पर कहा कि जब मैं चुनकर आया था उसी वक्त मैंने PM मोदी से मिलकर प्रशासन में आरक्षण के लिए बिल पास करने का आग्रह किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी इस देश के करीब 30 करोड़ दलितों के प्रत्यक्ष हित हेतु सरकार ने एक भी काम नहीं किया, जैसे बैकलॉग पूरा करना, आरक्षण बिल पास करना, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दिलाना आदि आदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में इससे आगे BJP सांसद यशवंत सिंह ने कहा कि आज की स्थिति में हम लोग BJP के दलित सांसद अपने समाज की रोज रोज की प्रताड़ना के शिकार हैं। हमारा जवाब दे पाना मुश्किल है। कृपया दलित समाज के हितों को विशेष ध्यान में रखते हुए बिल पास कराएं। SC ST एक्ट में कोर्ट के फैसले के खिलाफ पैरवी करके इस फैसले को पलटवाएं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के 3 दलित BJP सांसद सावित्रीबाई फूले, छोटेलाल और अशोक कुमार दोहरे दलितों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप लगाते हुए योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। बहराइच से BJP के लोकसभा सांसद सावित्रीबाई फूले ने इसकी शुरुआत की थी। सावित्रीबाई फूले ने तो 1 अप्रैल को लखनऊ में रैली कर अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। रॉबर्ट्सगंज के MP छोटेलाल खरवार दुखी हैं। वो कहते हैं कि DM से लेकर CM योगी आदित्यनाथ तक कोई भी उनकी नहीं सुन रहा है। इटावा से BJP के लोकसभा सांसद अशोक दोहरे का भी यही हाल है। वे भी PM मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जता चुके हैं। इनके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से BJP सांसद उदित राज भी खुले तौर पर समय समय पर सार्वजनिक जगहों पर कहते रहे हैं कि मोदी सरकार के कई फैसलों से दलितों में नाराजगी बढ़ रही है। UP से BJP के दलित सांसद अचानक से मन की बात क्यों और कैसे करने लगे हैं। आए दिन चिट्ठी बम फूटने लगे हैं, नाम बदल जाता है लेकिन खत की बातें एक जैसी ही हैं। दरअसल जब से BSP और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है तभी से BJP को लेकर कई सांसदों का मन डोलने लगा है। BJP के नेताओं में अब इन सांसदों को खोट नजर आने लगा है, जो BJP के लिए खतरे की घंटी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।